हेलो गाइज, इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि पिक्सलैब में फॉन्ट कैसे ऐड करते हैं। अगर आपने किसी के वीडियो में दिए गए लिंक को द्वारा डाउनलोड किया है फॉन्ट, तो वो आपके फाइल मैनेजर में मिल जाएगा। अभी हम क्रोम से डाउनलोड करके दिखाते हैं। तो क्रोम पे क्लिक करेंगे। क्रोम पे क्लिक करते ही यहाँ पे सर्च करेंगे फॉन्ट फॉर पिक्सलैब। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको सबसे पहला वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे ढेर सारे फॉन्ट आपको मिल जाएंगे। जो भी आपको डाउनलोड करना है, उसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे साइड में डाउनलोड का ऑप्शन दिया रहेगा। तो अभी हम इसको डाउनलोड करते हैं। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगा और यहाँ पे आपका डाउनलोड हो गया है। तो अभी हम इन लोग यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड में ये सबसे पहला है SUITE, तो ये जिप फॉर्म में है। तो अभी हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। फाइल मैनेजर में जाएंगे और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं। एक बार रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश के बाद यहाँ पे देखिए डाउनलोड में सबसे पहले ऑप्शन पे आ गया है। तो इसी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फाइल टू, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप किसी भी गैलरी में फॉन्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम फॉन्ट के फोल्डर में ही करते हैं। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे एक्सट्रैक्ट किया, यहाँ पे SUITE के नाम से एक फोल्डर बन गया जिसमें आपका फॉन्ट ऐड है। तो अभी हम इसको ऐड करने के लिए पिक्सलैब में ऐड करने के लिए पिक्सलैब ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन करते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ जाएंगे फॉन्ट पे। फॉन्ट पे जाने के बाद यहाँ पे पहला फॉन्ट है, दूसरा है माई फॉन्ट। माई फॉन्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे गैलरी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से जाएंगे फॉन्ट पे। फॉन्ट की गैलरी आपको मिल जाएगी आपके गैलरी में। तो यहाँ पे फॉन्ट्स है और उसके बाद अभी हमने डाउनलोड किया था SUITE। उसके बाद इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड डिक्शनरी करेंगे। जैसे ही इसको क्लिक किए, यहाँ पे आ गया पहले नंबर पे, तो इसको क्लिक करके ओके, तो ये हमारा आ गया नया वाला फॉन्ट। तो इसी तरीके से किसी भी प्रकार का फॉन्ट आप डाउनलोड करके या फिर किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और ढेर सारे आप क्रिएशन कर सकते हैं। तो ये वीडियो की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा जिनको भी ज़रूरत होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।